मलेच्छों का अंत निश्चित है। अगर आप लोग किसी भी प्रोफेसी में देखेंगे तो कलयुग के अंतिम चरण में जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तब वो मलेच्छों का श्रृंगार करेंगे, ऐसी एक प्रोफेसी मिलती है। तो आज हम डिकोड करने वाले हैं आखिर ये मलेच्छ हैं कौन और किस प्रकार से इनका अंत होने वाला है और क्या क्वालिटीज मान सकते हैं आप मलेच्छों के लिए, इन सभी को जानने वाले आज की वीडियो में। तो दर्शनंद दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं मलेच्छों के बारे में। आपने भविष्य मालिका हो या फिर कल की पुराण या फिर और भी कई जगहों पे मलेच्छों का जिक्र जैसे सुना होगा। अब बाकी मलेच्छ हैं क्या? कई लोग इसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, मतलब अलग अलग लोगों से भी जोड़ते हैं। कई लोगों को लगता है कि मलेच्छ शब्द जो है वो मुस्लिमों के लिए किया गया है, कई लोग बोलते हैं क्रिश्चियंस के लिए किया गया है, कई लोग कुछ पर्टिकुलर आप कम्युनिटी मान लिए उनसे जोड़ के देखते हैं। तो आखिर सच क्या है, क्या है मलेच्छों का मतलब और मलेच्छों का अंत करेंगे भगवान कल्कि कलयुग के अंतिम चरण में, जिस चरण में अभी हम हैं, जो कि भविष्य मालिका बताती है। तो चलिए इसी को समझते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये चीज़ दिमाग से निकाल लिए कि मलेच्छ शब्द या फिर मलेच्छ जो वाक्य प्रयोग किए गए हैं ये किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर रिलीजन के लिए किए गए हैं, चाहे आप मुस्लिम से जोड़ के देखिए या फिर ईसाइयों से या फिर किसी और कम्युनिटी से, ये पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी से जोड़ के नहीं लिखा गया है। अगर आप लोग ध्यान से देंगे, थोड़ा सा अपना कॉमन लॉजिक लगाएंगे तो मलेच्छों का मतलब होता है जो अधर्मी लोग हैं और उनका अंत हर युग में होता है, चाहे आप द्वापर युग में चले जाएं, चाहे त्रेता में भगवान श्री राम के समय में या फिर सतयुग से जब शुरुआत हुआ था इस युग चक्र का, उस समय में भी मलेच्छ थे और कलयुग के अंतिम चरण में तो भरे पड़े आपको पता ही है और उन सभी का अंत निश्चित है। तो समझते हैं आखिर मलेच्छ हैं क्या। तो अगर आप इसको देखेंगे, मैं जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, मलेच्छ का मतलब होता है अधर्मी। अब अधर्मी क्या सिर्फ मुस्लिम ही हैं या फिर क्रिश्चियन ही हैं? क्या हिंदुओं में कोई भी अधर्मी नहीं है? तो आप देखेंगे ऐसा नहीं है। मलेच्छों का अभी के समय में जो तात्पर्य मेरे हिसाब से होना चाहिए वो है जो कि अधर्मी है। अधर्मी मीन्स जो कि बुरे कर्म कर रहे हैं, जिनके कर्म बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो वो हिंदुओं में भी हो सकते हैं, मुस्लिम्स में भी हैं और क्रिश्चियंस में भी हैं। जाहिर सी बात है, अगर मुस्लिम्स की हम बात करें तो गाय को मारने वाले और बचाने वाले कभी भी साथ में नहीं रह सकते। अब वो चाहे कोई भी हो, अगर हिंदू भी हैं तो भी गलत हैं और मुस्लिम्स तो फिर है ही, किसके ऊपर तो क्या ही ज़्यादा बात की जाए। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, जब भी मलेच्छ का प्रयोग होता है कि भगवान कल्कि अंतिम चरण में मलेच्छों का अंत करेंगे, हालांकि वो सिंबॉलिक हैं कि घोड़े पे चढ़ के हाथ में तलवार लिए हुए, ये सब सिंबॉलिक चीज़ें हैं, बाकी तो कुछ ही समय में ये सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से मलेच्छ कौन है। जहाँ तक मुझे, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, अधर्मी लोग जो कि धर्म के विरुद्ध है। अब धर्म क्या है? वैदिक सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म, जो कि हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। इसका ना तो आदि है ना ही अंत है और वही चीज़ है। एक तरह से आप मान सकते हैं सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं, आप इसे एक धर्म की तरह भी देख सकते हैं, इसे एक नियमों की तरह देख सकते हैं। ब्रह्मांड किस हिसाब से चलता है, किस तरीके से ब्रह्मांड वर्क करता है, उन सभी को आप सनातन में सीख सकते हैं, सनातन से जोड़ सकते हैं। एक प्रणाली है जीवन चलने की, जीवन को सीखने की, जीवन को जीने की और आफ्टर लाइफ के बारे में भी। तो इन सभी को जोड़ के सनातन धर्म वैदिक नियमों से चलता है, उसी को हम वैदिक सनातन धर्म कहते हैं और उसके अनुसार चलने वाले ही धर्म के पथ पर होते हैं। अब जो लोग उनके विरुद्ध चलते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, किसी भी प्रकार का अधर्म कर रहे हैं, किसी प्रकार का बुरे कर्म कर रहे हैं, वो सभी मलेच्छों की कैटेगरी में ही आते हैं और प्रकृति और भगवान की शक्ति दोनों मिलकर इस चीज़ का सफाई करने में ऑलरेडी लगे हुए हैं और आगे आने वाले समय में ये चीज़ धीरे धीरे करके बढ़ती रहेगी। आप लोग बताइए आपके हिसाब से मलेच्छों की डेफिनेशन क्या है, आपके हिसाब से मलेच्छ क्या है जिनका अंत भगवान कल्कि करेंगे कलयुग के अंतिम चरण में, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो रही है अभी हाल ही दिनों में, तो बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। और इंस्टाग्राम का लिंक भी है, तो जाओ एक बार चेकआउट जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हरे कृष्ण दोस्तों।